मुहर्रम पर देश भर में जुलूस निकाला जा रहा है। धार्मिक जुलूस है जो हर साल निकलता है, इस साल भी निकला लेकिन हर साल से बिल्कुल अलग निकला। आपको मैं तीन तस्वीरें दिखाता हूं, श्रीनगर में, बिहार के नवादा में और बिहार के दरभंगा में। तीनों तस्वीरों में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है। जुलूस में भारी संख्या में लोग जुटे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। श्रीनगर पर पहली बार जब फिलिस्तीन का झंडा लहराया तो बिहार के नवादा के कल मुहर्रम का जुलूस निकला जिसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराया। अभी वीडियो वायरल हो रहा है और एक कहा जा रहा है कि चादर पोशी को लेकर के जुलूस निकला था। इसी दौरान बिहार के नवादा में कुछ लड़कों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। वीडियो सामने आते ही नवादा के SP ने एक्शन लिया। इसी मामले में तीन लड़कों पर कार्रवाई की गई। उधर बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में अपने देश को छोड़कर दूसरे के देश से प्रेम दिखा और फिलिस्तीन के झंडे दिखाए पड़े। लेकिन जुलूस निकालना तो कहीं हद तक ठीक है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी धर्मों का देश है, कोई भी किसी को रोक नहीं सकता धार्मिक मान्यताओं को निभाने से। लेकिन मुहर्रम के नाम पर क्या किसी दूसरे देश से इतना प्यार दिखाना ठीक है? ये सवाल वो इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन प्रेम दिखाया गया। रिपोर्ट चला हिंदुस्तान की सड़कों पर मुहर्रम का धार्मिक जुलूस, लेकिन दिल में प्रेम किसी और देश के प्रति, ऐसा क्यों है? आखिर हिंदुस्तान के अंदर शहरों में फिलिस्तीन के झंडे लहराने का मकसद क्या है? श्रीनगर जो कल तक आतंक और आतंकियों की गोली से जख्मी था, आज वहां शांति है। लेकिन मुहर्रम के मौके पर यहां देश प्रेम से ज्यादा फिलिस्तीन प्रेम दिखा। जहां तिरंगा लहराना चाहिए था वहां फिलिस्तीन का झंडा लहराता दिखा। मुहर्रम का जुलूस शहर के गुरु बाजार से डल गेट तक निकाला गया, लेकिन इस दौरान इस मजहबी जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराता नजर आया। हमने आज सुबह से ही देखा कई जगहों पर लंबे चौड़े फलस्तीन के ऐसे ही परचम जो है झंडे लहराते दिखे, कई युवतियों के हाथों में भी ये झंडे दिखे, कई लोगों के झंडे और लंबे चौड़े खींचे हुए झंडे थे। हालांकि इस तरह के झंडे जो है वो ममानियत की गई थी कि इस तरह के झंडे ना हो, लेकिन फिर भी ये जो है इसराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब अगली तस्वीर बिहार के नवादा की देखिए, यहाँ भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये सभी लोग मजार पर ताजपोशी करने जा रहे थे। इसी दौरान जुलूस में कुछ लड़के फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिखे। जब वीडियो वायरल हुआ पुलिस ने एक्शन ले लिया। जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का तीन लड़कों पर आरोप लगा। तीनों लड़कों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये जुलूस भी बिना इजाजत के निकाली गई थी। अगली तस्वीर भी बिहार के दरभंगा की है। यहाँ मुहर्रम का जुलूस 8 जुलाई को निकाला गया। यहाँ भी जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। कुछ लड़कों के द्वारा झंडा दिखलाया गया था जैसा वीडियो वायरल में दिखा जा रहा है, दो लोगों पर नामित किया गया। पूरे मामले की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी कारण होगा, जो भी लोग इसके पीछे होंगे, जो भी मंशा होगी या फिर ऐसे ओकेजनल है, कैजुअल है, सब सामने आएगा। धर्म अपनी जगह पर है और देश अपनी जगह पर। सच यही है कि देश की जगह कभी भी धर्म नहीं ले सकता, क्योंकि देश संविधान से चलता है। लेकिन हिंदुस्तान में रहकर फिलिस्तीन प्रेम दिखाने वालों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मुहर्रम वाले जुलूस से सीखना चाहिए। मुहर्रम का जुलूस यहाँ भी निकला, नारेबाजी यहाँ भी हुई, झंडा यहाँ भी लहराया, लेकिन किसी और देश का नहीं बल्कि अपने देश का। सहारनपुर में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता हुआ दिखा। जो लोग मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं, उन्हें देश प्रेम का सबक सहारनपुर के मुसलमानों से सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया, Zee न्यूज़।